तो आइए दीदी, हम महादेव के तीन शुद्ध वाणी के बता करके हम चर्चा की ओर चलेंगे। दीदी आप लोग सुनेंगे, तो पहले महादेव से तीन शुद्ध का वाणी हम कहते हैं। दीदी पहले संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, देवों का देव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम की स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साथ साथ मैं भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। जिस धरती पर मैं चर्चा सुनाती हूँ, धरती माँ को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहब वलेंद्र भैया लीलम दीदी को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहब वलेंद्र भैया लीलम दीदी के माध्यम से मात्र तीन सूत्र मिला है कि पहला सूत्र में दया मांगना है, जय हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आप न दया कीजिए तो करने वाला कौन है, आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे भैया से बताना है जो हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक हैं, हमको भी दया दी हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में मन माला से या मन ही मन एक स्वास्थ्य नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चर्चा की ओर चलते हैं दीदी, चर्चा सुनिए। एक सासपुतो रहते, तो सासपुतो रहते न तो उनका पुतो के को बाल बच्चा न रहे, तो अपना पुतो से कलखिन कि दोनों सासपुतो बातचीत कलखिन, कलखिन जे कनिया लोग चर्चा करे छथिन से चलू ना से अपनो सासपुतो से चलू फूल बगीचा में आ फूल लोर घर के चलू चर्चा हुई से चलू चर्चा में हमू शामिल हो जा छिन महादेव के चरण में, महादेव जरूर दया देथिन। ते गेलखिन सासपुतो आ फूल उल लोर लेलखिन आ लोर से आ फूल लोर गेलखिन तो बेलपत्ता हुनका सब दिन तोड़ित रहथिन ना, तो तीन पत्ता के पद हुनकर बेलपत्र मिलत रहा ना। ओहि दिन महादेव के दया है, बड़ा भाव से बहुत प्रेम से बहुत आस लगा कर बेलपत्र के बगिया में गेलखिन, तो हुनका पांच पत्ता के एगो पत्ता हुनका बेलपत्र के मिललन। तो कलखिन जे अच्छा चलू, तो हुनकर पुतो खुशी होकर कलखिन जे हे माई जी देखियौ अहाँ कह छी जे महादेव में दया न है, लेकिन देखियो सब दिन फूल लोर लियन हा तो तीन पत्ता के मिलत रहखिन न, आज देखियो जे कैसे पांच पत्ता के मिल बेलपत्र हमरा मिललखिन। तो लेकर आ चर्चा करबत रहखिन न, आ चर्चा कलखिन न तैयो हुनका टप से एगो लोर चू गेलन, कलखिन जे मिललखिन तो लेकिन महादेव हमरा दया दिलखिन, लेकिन हम तो हम तो बजने कहै छथिन, तो हुनका बेटा न होकर न तीन गो हुनका बेटिए भेलन महादेव दिलखिन, तीन गो बेटिए दिलखिन। तो महादेव के चरण में जाकर कलखिन जे हे महादेव हमरा बेटी दिली है तो लक्ष्मी है, लेकिन तीन यानी कि दया एगो बेटी दिलखिन, चर्चा दिलखिन एगो बेटी, एगो नमः शिवाय बेटी दिलखिन। तो जब जे दया वाला बेटी दिलखिन न महादेव के चरण में तो कलखिन, तो हुनका बड़ा बड़ा घर में शादी भेलन बड़की बेटी के, तो बड़की बेटी के जे शादी कलखिन न तो हुनकर दामाद अलखिन, तो वह बात कलखिन कि से तो हमरा साला न हथिन, तो हम कैसे फिर हम हिया आबेन तो हमरा सौखे अरमान पूरा न होतेन। दोसर बेटी के शादी कलखिन, तो बड़ा गरीब घर में बेटी के शादी भेलन तीसरा में, तो कहत महादेव से कलखिन वो तीसरा बेटी कि से हम महादेव के तीन सूत के वाणी सूत सुनबत रहलियन रह आ बचपने से हम शिष्या रहलियन रह, लेकिन महादेव हमरा ऐसा भाग भविष्य कर दिलखिन जे बड़की बहन के हमर कितना अच्छा हथिन घर द्वार मिलन आ हमरा इतना गरीब घर में महादेव ऐसने कपार लिख दिलखिन, मंदिर में जाकर रोए लगलखिन अपना महादेव से कलखिन जे हे महादेव हम एह अपने के शिष्य बनली, अपने के एह हम दया मांगत रही। तो कलखिन जे ठीक है, तो सुनकर रह गलखिन महादेव। आ जब तीसरा बहन के जे शादी भेलन ना, तो वो जे पांच पत्ता के बेलपत्र जे मिलल रहन तो हुनका जे अब रख दलखिन, तो पूरा घर में शादी विवाह के घर रहे ना, तो हुनका मिलबे न कलन चर्चा करबलखिन हुनका शादी में, तो हुनका शादी जे भेलन ना तो आगू में जे दै छथिन
मछरी बांध के बेटी के आगू में जे दिलन मर मिठाई हुनका सब कुछ दिलन तो पांच पत्ता के बेलपत्तर हुनका देवरा के साथे साथे चल गेलन हुनका ससुराल तो बड़ा धनवान रहथिन तो बड़ा धनवान रहथिन तो हुआ ससुराल में चर्चा करवलखिन आ करा कर तो महादेव से कहलखिन जे तीनों बहन के अपन अपन भाग भविष्य देखू तो कहलखिन कि से तीनों भाग भविष्य देखलखिन तीनों बहन के जे तो पहला में दया मांगत रहथिन दूसरा में चर्चा तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करत रहथिन मन माला से या रुद्र माला से उ माला जपैत रहलखिन लो तो कह लगलखिन जे उचित हर लीला रहे पार्वती मीठी तो हर बोलिया हे आहे कैसे मैं बसबू हे पार्वती शिवा बाबू रहबा हे आहे कैसे मैं बसबू हे पार्वती शिवा बाबू रहबा बोललू से बोललू हे मामी फेरू माती बोली हाहे आहे दादाजी खोजा लखिन हे मामी शिवा बाबू रहबा हे आहे दादाजी खोजा लखिन हे मामी शिवा बाबू रहबा तो ई बात सुन का बड़ बहन के जब शादी भेलन छोट बहन के तीनों बहन के शादी होलन तो बात गाना सुना के महादेव से छोटकी बहन कह रखलखिन लेकिन पांच पत्ता के जब बेलपत्र मिलन से छोटकिए बहन के ससुराल हुनका गेलखिन महादेव में दया रहथिन तो बात कह कह के सुनबत रहथिन तो ऊँची तो हर लीला रहे पार्वती मीठी तो हर बोलिया हे आहे कैसे मैं बसबू हे पार्वती शिवा बाबू रहबा हे आहे कैसे मैं बसबू हे पार्वती शिवा बाबू रहबा बोललू से बोललू हे मामी फेरू माती बोली हाहे आहे पापा जी खोजा लखिन हे मामी शिवा बाबू रहबा हे आहे पापा जी खोजा लखिन हे मामी शिवा बाबू रहबा तकरा इतना बात सुन कर फिर हुनकर छोटकी बहन कहे लगलखिन जे ई बात हमरा महादेव के गाना कह कह के सुनबै छथिन तनका ई गाना हमहूँ गाले छी कला तब महादेव हमरा दया कैले हथिन पाँच पत्ता के बिलपत्र हमरा महादेव साथे साथ ही देलखिन तो तनका हम ई बात सुना दक्षिण भाभी के तो ऊँची तो हर लीला रहे पार्वती मीठी तो हर बोलिया हे आहे कैसे मैं बसबू हे पार्वती शिवा बाबू रहबा हे आहे कैसे मैं बसबू हे पार्वती शिवा बाबू रहबा बोललू से बोललू हे भाभी फेरू माती बोली हाहे आहे भैया जी खोजा लखिन हे भाभी शिवा बाबू रहबा हे आहे भैया जी खोजा लखिन हे भाभी शिवा बाबू रहबा पहला में दाया हे मंगली दूसरा में चर्चा हे आहे तीसरा में नामन हे कैली नमस्ते प्रणामा हे आहे तीसरा में नामन हे जपली नमस्ते प्रणामा हे प्रेम से बोले शंकर भगवान की।